मथुरा की अंतरग्रही परिक्रमा के दर्शनों की श्रृंखला में आज हम आए हैं दर्शन करने मथुरा में वास्तुकला के अद्भुत नमूने श्रीनाथ जी की हवेली की, जो कि मथुरापुरी में अपने स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने के रूप में जानी जाती है। मथुरा में स्थापत्य के वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर कई स्थान हैं, परंतु उसमें भी ये स्थान अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ धूपघड़ी, जो कि उस समय में प्राप्त समय की जानकारी का बहुत सुंदर साधन थी, वह प्राप्त होती है। ऊपर गोवर्धन लीला, काली दमन लीला, भगवान के वृक्षों के ऊपर बैठ कर के गोपियों के वस्त्रापहार, झूला झूलना कदम्ब की डार पर, जैसी सुंदर लीलाओं को चित्रित इसके द्वार पर किया गया। और ऊपर यह कमल के सदृश सुंदर एक ही पत्थर से निकले हुए खम्भों का बना हुआ यह मंदिर। श्री कृष्णम यमुना सहितम पूर्णेन्दो मुखाम्बुजम ध्यायेत् नित्यं गोपांगना वृतैर्देवं सर्वसौभाग्यदायकं श्रीनाथं देवदमनं मथुरापुरी वासकं देवं त्वां महं वन्दे सर्वसिद्धे प्रदं प्रभो श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री श्रीनाथ जी का मंदिर अपने आप में एक बेजोड़ स्थापत्य है, तथा बड़े सुंदर ठाकुर जी श्री यमुना जी के सहित यहाँ विराजमान हैं। सब जगह केवल श्रीनाथ जी के दर्शन हैं। यहाँ श्रीनाथ जी सहित श्री यमुना जी और श्रीनाथ जी दोनों युगल स्वरूप के बड़े सुंदर दर्शन, नयनाभिराम दर्शन हम और आप ब्रज की माटी के माध्यम से कर रहे हैं। जितना सुंदर स्थापत्य है, उतना ही लालित्य भगवान के सुंदर श्री विग्रह का है। और देखिए सुंदर जिस प्रकार का ध्यान श्री महालक्ष्मी जी का कहा गया है, यासा पद्मासनस्था विपुल कटतटी पद्मपत्रा यताक्षी गंभीर आवर्तना विस्तन भरण मिता शुभ्र वस्तुत्तरिया लक्ष्मी दिव्यई गजेंद्रई मणिगण खचितई स्नापिता हे मुकुंभई नित्यासा पद्महस्ता वसतुम ग्रहे सर्व मांगल्य युक्ता। ऐसी लक्ष्मी जी द्वार पर विराजमान हैं, सुंदर दर्पण हैं, गऊ हैं, ग्वाल हैं, अद्भुत पत्थर की सुंदर नक्काशी का यह दर्शन आप कर रहे हैं, जिसमें कि भगवान के 24 अवतारों की लीला सनक सनंदन सनत कुमार से लेकर के, और भगवान के समस्त अवतारों की लीला यहाँ प्रारंभ की गई है। भगवान के हरि अवतार को, शिवराह अवतार को दर्शाया है। भगवान के वराह अवतार को दर्शाया है। वराह अवतार के उपरांत भगवान के जो अन्य अवतार हैं, उन सभी अवतारों को, 24 अवतारों को यहाँ क्रमशः दर्शाया गया है। हयग्रीव अवतार के दर्शन, समुद्र मंथन के दर्शन, मत्स्यावतार के दर्शन, सभी गवाक्षों पर किसी न किसी देवता का स्थापन यहाँ किया गया है। सभी नक्षत्रों के 27 देवता, भगवान के सभी परिकर, सभी नवग्रह, 24 सभी द्वादश राशियां इस मंदिर में यथाक्रम विराजमान है। दश दिक्पाल, सभी लोकपाल यथा यथा स्थान पर यहाँ विराजमान है।
भगवान गरुड़ की सुंदर प्रतिमान भी यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर भगवान का सामने से दर्शन, कलात्मक छत्री के रूप में भगवान विराजमान है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है तथा इसका जो निर्माण काल कहा गया है वह भगवान के जो परम भक्त हुए ऐसे 7वीं शताब्दी के राजाओं द्वारा मथुरा में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। भगवान के इस दिव्य मंदिर में ज्योतिषीय गणनाओं सहित समस्त ग्रह, समस्त दिक्पाल, समस्त लोकपाल सभी भगवान की सेवा में, श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में, सर्वेश्वर श्री कृष्ण श्री यमुना जी की सेवा में तल्लीन है। यही इस मथुरा का भाव है और यही इस सुंदर श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शाया गया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर आपको हमारे द्वारा कराए गए दर्शन पसंद आते हैं, आप उनसे भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के दर्शनों से आपको लाभ होता है, तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, लाइक करें, शेयर करें तथा औरों को भी अपने माध्यम से दर्शन कराते हुए आपके यहाँ जो दिव्य दर्शन छुपे हुए हैं मथुरा और ब्रज की धरोहर के रूप में, आप हमें लिखें, हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास और सभी को उन दर्शनों से लाभान्वित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।